माहिर के लिए उदास हो रहे हैं आप, जी, बिल्कुल प्लीज परेशान ना हो। और उस दिन आप माहिर से मिले बगैर चले गए। माहिर के साथ आपकी जो भी नाराजगी है प्लीज उसे दूर कर लीजिएगा। मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे मिलने की, अब मेरी अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कैसी तबीयत है अब आपकी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप माहिर को मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। मुझे खुशी होगी अगर आप खुद उसे फोन करेंगे और मिलने आएंगे। मैं आपको अपने घर का एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगी। जी बेहतर। मुझे एक बात करनी है आपसे। जी जी कहिए। अगर आप मेरे और अपने रिश्ते को इज्जत और एहतराम देते हैं तो प्लीज आप मेरी एक बात मानेंगे। कैसी बात कर रही हैं आप? माहिर ने आपसे शादी की है, इज्जत एहतराम तो हर औरत के लिए है, चाहे वो किसी रिश्ते में हो या ना हो। और फिर आपसे तो एक मुकद्दस रिश्ता है मेरा। तो बस फिर आप मेरी बात मानेंगे। मैंने डॉक्टर इफ्तिखार के साथ आपकी अपॉइंटमेंट ले ली है। इस वीकेंड शाम 5 बजे आप उनके प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे। मैं आपको उनके क्लिनिक का एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगी। नहीं नहीं आप ये सब कुछ ना करें, मैं डॉक्टर के पास जा चुका हूँ, उसने मुझे मेडिसिन दी है, मामूली सा अस्थमा है मुझे, वो ठीक हो जाएगा सब। अस्थमा नहीं है आपको जहांगीर साहब, मैं जानती हूँ। मेरे बाबा हार्ट पेशेंट थे, मेरे पहले शोहर भी हार्ट पेशेंट थे। दिल की तकलीफ क्या होती है मैं खूब जानती हूँ।